दोस्तों हवा में उड़ती 180 जिंदगियां एक भयानक हादसे का शिकार होती होती रहेगी। एयरपोर्ट से उड़ने के चंद मिनटों में ही एरोप्लेन की खिड़की धमाके के साथ फट गई और लोगों को तुरंत ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़े। चालक दल की कुशलता और धैर्य से यह विमान वापस सुरक्षित एयरपोर्ट पर लौट आया। दोस्तों यह हादसा अलास्का एयरलाइंस के विमान में हुआ। कंपनी ने इस हादसे के बाद अपने सभी 65 बोइंग मैक्स 9 विमानों को अगले आदेश तक उड़ने पर रोक लगा दी है। सोशल मीडिया पर हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें यात्री ऑक्सीजन मास्क लगाए हुए हैं, साथ ही सभी धैर्यपूर्वक बैठे हुए हैं। इन वीडियो में प्लेन में छेद स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक अलास्का एयरलाइंस के इस विमान ने शुक्रवार को ओरेगन के पोर्टलैंड से उड़ान भरी थी। इसमें 174 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य सवार थे। यह कैलिफोर्निया के ओंटारियो जा रहा था। इसी दौरान खिड़की फट गई। इसके बाद इसे पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यह प्लेन लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया था। कंपनी ने बताया कि विमान उड़ने के तुरंत बाद यह हादसा हुआ, मगर यह सुरक्षित लौट आया। इसमें सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। विमान ने शाम को 4:52 पर उड़ान भरी और यह लगभग 5:30 के आसपास वापस लौट आया। कंपनी ने अपने सभी बोइंग 737-9 एयरक्राफ्ट को अगले आदेश तक के लिए खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों आप भी देखें वायरल वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी अपनी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। They just said.